इजी है, वेरी सिंपल. साइमन लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ बोथ प्रोजेक्ट्स इज 5 लाख ईच. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आने की प्रबल दावेदारी है. सरल क्वेश्चन है, ठीक है. क्या दो प्रोजेक्ट्स है, दोनों प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 लाख. यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है ईयर जीरो में? 5 लाख. एंड इज एक्सपेक्टेड हैव अ लाइफ ऑफ 5 साल. दोनों की लाइफ कितनी होने वाली है? 5 साल 5 साल. अंडर थ्री पॉसिबल सिचुएशंस देयर एनुअल कैश फ्लोस प्रोबेबिलिटीज आर एज अंडर. अगर हम प्रोजेक्ट ए उठाते हैं तो अभी तक क्या था, हमको कैश फ्लो देते रहता इतना आएगा, बोलो हाँ या नहीं. अब वो कैश फ्लो नहीं दे रहा, जो तुम बोल रहे थे ना भैया पता कैसे चलेगा. जैसे अभी तक क्वेश्चन क्या बोलते रहा कि अगले साल 5 लाख आएंगे, तो कल ही ये भूमिका पूछ रही थी ना कि भैया कैसे पता 5 लाख की आएंगे. मैंने क्या कहा था, वो क्या है? एस्टिमेट. वो क्या है? एस्टिमेट. इनने एस्टिमेट निकालने का और बेटर तरीका निकाला. बोला तीन सिचुएशन है. अगर प्रोजेक्ट ए लेते हैं और मार्केट की सिचुएशन क्या होती है? अच्छी होती है, गुड होती है, तो 6 लाख आएगा. अगर नॉर्मल होती है तो कितना आएगा? 4 लाख. बुरी होती है तो कितना आएगा? 2 लाख. गुड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30%. नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40%. और ये कितनी है? 30%. ये हमेशा मन के बराबर होगा, बोलो हाँ. तो क्या आपको एक कैश फ्लो दिए कि तीन दिए? आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक कैश फ्लो चाहिए हर साल का, बोलो हाँ या नहीं. तो आप यहां क्या कर दोगे, इसका क्या कर लोगे? एवरेज निकाल लोगे. क्या निकाल लोगे? एवरेज. कैसे? 6 लाख है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3. तो 6 लाख × 0.3 कितना होगा? 1,80,000 एम प्लस 4 लाख × 0.40 एम प्लस 2 लाख × 0.30 एम प्लस एमआरसी 4 लाख. ये 4 लाख क्या आया, समझ में आया? ये 3 साल के कैश फ्लोस नहीं दिए हैं. मेरी बात को फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे आप लोग. ये अभी तक क्या था, हमको 3 साल के कैश फ्लो दे रहे थे. ईयर 1 में इतना आएगा, 2 में इतना आएगा, 3 में इतना आएगा, 4 में इतना आएगा, 5 में इतना आएगा. हम सबकी क्या निकाल ले रहे थे? प्रेजेंट वैल्यू, हाँ या नहीं. इसने 3 साल के नहीं दिए, इसने 1 ही साल का दिया है. और क्या बोला है कि ये चांसेस है. हमारा एवरेज कितना आ गया? 4 लाख. कितना आ गया? 4 लाख. यानी आने वाले कितने साल का प्रोजेक्ट है? 5 साल का. 5 साल तक हम क्या मानेंगे हमारा कैश फ्लो कितना आने वाला है? 4 लाख. तो नेक्स्ट 4 ईयर्स का कैश फ्लो कितना हो गया? 4 लाख. और उसकी रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे दिया है? 7%. इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दे दिया है? 5 लाख. प्रोजेक्ट ए का क्या निकाल लोगे? एनपीवी. प्रोजेक्ट ए का क्या निकाल लोगे? एनपीवी. हो मेरे साथ? प्रोजेक्ट ए का क्या निकाल लोगे? एनपीवी. सेम विद प्रोजेक्ट बी, सेम विद प्रोजेक्ट बी. पहले जहां प्रोबेबिलिटी दिखे, जहां क्या दिखे? प्रोबेबिलिटी. मल्टीप्लाई करके एवरेज कर दो, मल्टीप्लाई करके क्या कर दो? एवरेज. उससे क्या आ जाएगा? कैश इनफ्लो. उससे क्या आ जाएगा? कैश इनफ्लो. इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, एनपीवी निकाल लो. वेरी इजी क्वेश्चन. घड़ी देख के 10 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी करो. और ये आंसर आना चाहिए सबका, बता दिया. वेरी सिंपल है. कितना बजा है? 11:15 तक हो जाना चाहिए, 5 मिनट में. 1 सेकेंड. 6 लाख 4 लाख 2 लाख 3 साल के, ये 3 साल के नहीं, 1 ही साल के 3 इनफ्लोज हैं. 1 ही साल के क्या इनफ्लोज हैं? 3. कि हो सकता है आने वाले 5 साल तक हमको 6 लाख मिले, हो सकता है 4 लाख मिले, हो सकता है 2 लाख मिले. 6 लाख की प्रोबेबिलिटी है 30%, 4 लाख की प्रोबेबिलिटी है 40%, और 2 लाख की प्रोबेबिलिटी है 30%. एक काम करो, इनफ्लो को किससे मल्टीप्लाई करो? प्रोबेबिलिटी से. तो तुम्हारा आ जाएगा 4 लाख. क्या आ जाएगा? 4 लाख. तो हमने मान लिया कि आने वाले 5 सालों तक हमारी कैश इनफ्लो की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4 लाख. क्या बात समझ में आ रही है? तो ईयर 1, 2, 3, 4, 5 पांचों साल का कैश फ्लो कितना हो जाएगा? 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख. और उसकी क्या निकाल लोगे? प्रेजेंट वैल्यू. क्या निकाल लोगे? प्रेजेंट वैल्यू. किस रेट से? 7% से. इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 लाख. सेम प्रोजेक्ट बी का पहले एवरेज निकालोगे और फिर उसकी कैश फ्लो निकाल लोगे. जिसका एनपीवी बेटर आएगा उसको सिलेक्ट कर लोगे. दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालो, बीच के आंसर मत बताओ. दोनों प्रोजेक्ट के एनपीवी आ गए, दोनों के निकालो और आंसर बताना मत.
भाई दोनों कहाँ गया, दोनों में एनपीवी क्या है सेम। आ जाओ तो फिर कैसे डिसाइड करें कौन सा लेना है। दोनों में एनपीवी कितना आ रहा है, 4 लाख 4 लाख सबका आया। अच्छा एवरेज 4 लाख आया है, एवरेज 4 लाख आया तो एनपीवी क्या आएगा सेम। कितना आया एनपीवी, 11,40,000 दोनों केसेस का। अब कैसे डिसाइड करें कि ए लें या बी, तो रिस्क कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, रिस्क। रिस्क कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से, वो मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, वो एक टॉपिक सिखाऊंगा उसके बाद अपन करेंगे ये वाले का सेकंड पार्ट अपन सॉल्व करेंगे एक कॉन्सेप्ट के बाद। क्या मैंने सहा तो हाँ या ना बोलो, पक्का आया समझ में। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, देख लो यहाँ पे आपको क्या था, मेरी पेंसिल कहाँ गई, हाँ बच्चों बताओ अभी तक क्या था आपको, ईयर के कैश फ्लोज दे रहे थे वो, तो हम उसको सीधे सीधे लिख ले रहे थे, बोलो हाँ या नहीं। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या ये ईयर के कैश फ्लो दिए हैं क्या, नहीं, ये एक ईयर के कैश फ्लो की 3 प्रोबेबिलिटीज दी है। एक ईयर के कैश फ्लो क्या दिए हैं, 3 प्रोबेबिलिटीज। कितना कितना कैश फ्लो बोला फटाफट बोलो, 6 लाख 6 लाख फ्रीज है, 6 लाख 4 लाख 2 लाख। सबका क्या निकाल लोगे, प्रेजेंट वैल्यू, ए सबका क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। क्या निकाल लोगे, एवरेज। कितना एवरेज आ गया, 4 लाख। तो आने वाले 5 साल का कैश फ्लो कितना हो जाएगा, 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख। क्या बात सर, नहीं 5 साल का, और उसको जीटी यूज करके आप क्या है, 7% है, 1/1.07 = 5 बार जीटी इंटू 4 लाख माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। क्या आ जाएगा तुम्हारा एनपीवी, क्या आ जाएगा तुम्हारा एनपीवी। समझ में आ गया हाँ या ना, फटाफट बोलो। चलो एक तगड़ा क्वेश्चन और दूं, उसके बाद बोलोगे तो छुट्टी कर दूंगा। हाँ मैं एक सेकेंड बाहर छोड़ आया हूँ। जिंदगी ने जिंदगी भर बम दिए, आओ तब मजा आएगा ना ये क्वेश्चन करके। सेम, तो रिस्क निकालना पड़ेगा, रिस्क निकालना भी सिखाया नहीं है, तो आगे चल के सिखाऊंगा। ये समझ में आ गया सबको, आ गया ये वाला। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो एक बार, यू आर अ गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखो जिंदगी तुमको डराएगी, जिंदगी तुमको डराएगी और तुम डर जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, जब जिंदगी डरा रही तो कोई मजा आ किसी का कि ना डरे, क्या बात समझ में आ रही है ना। लेकिन डरना लेकिन छोड़ना नहीं, आओ बड़ा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, हाँ है भी, क्या बात समझ में आ रही, आओ एक बार पढ़ते हैं, ठीक है क्या। प्लीज सुनना, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, एफएम में ऐसे ही बड़े क्वेश्चन आएंगे, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी कैलकुलेशन, वो तुमको क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तुमको डराने की कोशिश करेंगे। कभी तुमने बोर्ड एग्जाम का पेपर देखा होगा, इतना मोटा आ जाता है, वो कुछ नहीं करते बेटा, फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, क्या बात समझ में आ रही है, फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, ज्यादा पढ़ने लग जाते, तुम देख के हॉय मेरे गॉड, क्या बात समझ में आ रही है। वही क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे प्रिंट करके दूंगा, देखोगे अरे इतना पतला इतना इजी, क्या बात समझ में आ रही है, फॉन्ट साइज बड़ा, एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी, 4 की जगह 20 पन्ने यूज हुए, तुम्हारी वहीं पड़ गई, अरे बाप रे 20 पन्नों का पेपर। इतनी मोटी बुकलेट आई थी भैया, इतनी मोटी बुकलेट आई थी, अबे हर क्वेश्चन दो दो बार था, अबे क्या था उसमें, एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी। ऐसे ही यहाँ पे भी वो पहले बताएंगे, हमारी ये कंपनी है, हम बहुत भयंकर काम करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं कि क्या बताएं, हमको का करना क्या करते हो, क्या बात समझ में, तुमको सिर्फ किससे मतलब है कि मशीन कितने खरीदनी, क्या क्या पैसा आने वाला है, डेटा गोल गोल घुमाएगा, ध्यान से पढ़ना, इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एन आयरन ओर कंपनी इज कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन द न्यू प्रोसेसिंग फैसिलिटी, नया बिजनेस चालू करने की सोच रहे हैं। द कंपनी एक्सट्रैक्ट्स आयरन ओर फ्रॉम एन ओपन पिट माइन ड्यूरिंग अ ईयर, 1 लाख टन ऑफ आयरन ओर इज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है क्या। जैसे ही डेटा मिला अंडरलाइन किया क्वेश्चन को, लंबे क्वेश्चन को करने का तरीका, जैसे ही डेटा मिला क्या करो, उसको अंडरलाइन करो। कैसे अंडरलाइन करोगे, ऐसे कि 1 लाख आयरन ओर अभी एक्सट्रैक्ट होता है 1 लाख टन। इफ द आउटपुट, तो फ्रीज रहेगा तो उसको अनफ्रीज करोगे कभी भी क्वेश्चन में, क्या बात समझ में आ रही है, ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। इफ द आउटपुट फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन इज सोल्ड इमीडिएटली, एक ऑप्शन है कि जैसी आयरन ओर से निकला लोहा, ठीक है क्या, उसको तुरंत बेच दिया जाए
if the output from the extraction process sold immediately upon the removal of dirt, rocks and other impurities, a price of 1000 per ton iron ore can be obtained. मतलब उन्होंने क्या किया, खदान से वो निकाला लोहा और तुरंत वो क्या कर देंगे, उसको बेच देंगे. कितना बेच देंगे, 100,000 टन निकलेगा 1000 पर टन के हिसाब से. द कंपनी जो उसको निकालने की कॉस्ट कितनी आएगी, 70% ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू. मतलब ये क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट. कितनी लगेगी, 70%. कोई डाउट है क्या, 100,000 टन आउटपुट है, 100,000 टन क्या है आउटपुट, सेलिंग प्राइस कितना है 1000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 70%. पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही डेटा दिया उन्होंने अभी तक. हाँ या ना, फटाफट बोलो, सुन रहे हो. ऑल्टरनेटिवली, इंपॉर्टेंट, एज एन ऑल्टरनेटिव, द सेलिंग ऑफ आयरन ओर आर एट 1000 पर टन, इट इज पॉसिबल टू प्रोसेस फर्दर 25% ऑफ द आउटपुट. क्या बोल रहा है, एज एन ऑल्टरनेटिव सेलिंग ऑल द आयरन ओर, एज एन ऑल्टरनेटिव सेलिंग ऑल द आयरन ओर एट 1000 पर, इट इज प्रोसेस पॉसिबल टू प्रोसेस फर्दर 25% ऑफ द आउटपुट. द एडिशनल कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग वुड बी 100 रुपए पर टन. मतलब 100,000 जो टन निकला है उसमें से 25% को, यानी कितने को, 25,000 टन आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं, तुरंत ना बेच के क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं. फर्दर प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा मुझे बताओ, अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो एडिशनल कॉस्ट लगेगी 100 रुपए पर टन की. कितनी लगेगी, 100 रुपए पर टन की एडिशनल कॉस्ट लगेगी. लेकिन वो जो एडिशनल बनेगा वो बिकेगा कितने में, 1000 की जगह कितने बिकेगा, 1350 पर टन. फॉर एडिशनल प्रोसेसिंग द कंपनी वुड हैव टू इंस्टॉल इक्विपमेंट्स कॉस्टिंग 100,000. 100,000 के क्या लगेंगे, इक्विपमेंट्स, यानी 1 करोड़ के इक्विपमेंट लग जाएंगे. जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ कितनी होगी, 5 साल. सैलवेज वैल्यू कुछ भी नहीं होगी. कंपनी फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी, 20 लाख. द कंपनी कट ऑफ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15%, टैक्स रेट है 30%. बताओ कंपनी को नया इक्विपमेंट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए. जोर से बोलो जय माता देवी. क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो. ये क्वेश्चन चलो मैं कराता हूं उसको. क्या बात समझ में आ रही है, आपने पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं. कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं, दो. केस वन, केस टू. सुन रहे हो, केस वन क्या है, नो फर्दर प्रोसेस. केस टू क्या है, फर्दर प्रोसेस. आर यू ऑल देयर विद मी. सोल्यूशन मत देखना, झूम बराबर झूम शराबी हो सकते हो. क्या बात समझ में आ रही है, तो केस वन क्या बोला है, नो फर्दर प्रोसेस. केस टू क्या बोला है, कि यू हैव टू फर्दर प्रोसेस. अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो जिंदगी बहुत आसान रहने वाली है. क्या आसान रहने वाली है बताओ, कितना टन बनेगा, 100,000 टन. हाँ, आउटपुट. सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी, 1000. वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, 70%, यानी कितनी हो जाएगी, 700. कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 300. टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 300 × 100,000, यानी कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 300 लाख. ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया तुम्हारा, 300 लाख. और कुछ फिक्स कॉस्ट वगैरह बताइए क्या उसने, नहीं. अभी यहां तक कुछ इक्विपमेंट तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, ये तो करंट प्रोसेस में. बोलो हाँ. अब अगर क्या होता है, हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो क्या पूरे को प्रोसेस कर पाएंगे, नहीं. क्या बोला इसने, एज एन ऑल्टरनेटिव सेलिंग द आयरन ओर एट 1000 पर टन, इट इज पॉसिबल टू प्रोसेस फर्दर 25% ऑफ द आउटपुट. क्या बात समझ में आ रही है, यानी जो 75,000 यूनिट्स हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे. 1000 - 700 कितना रहेगा, 300. 300 × 75,000 कितना आएगा, फटाफट बताओ. कितना बताओ ना मुझे, 22.5 लाख. 2 करोड़ 25 लाख, यानी 225 लाख. ओके ठीक है, कितना हो जाएगा, मैं टू चलो छोड़ो, कितना हो जाएगा, 225 लाख. 75,000 में सेम प्रोसेस है, बोलो आया नहीं. लेकिन 25,000 की कहानी बदल जाएगी, 25,000 की कहानी बदल जाएगी. जो 25,000 यूनिट्स हैं वो कितने के बिकेंगे मुझे बताओ, 1350. क्या बात समझ में आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, 80% ऑफ द, एक सेकेंड. If the process for the additional cost of further processing would be 100%, the process iron ore would yield 80% of final and can be sold. अच्छा, the process iron ore would yield 80% final output. ठीक है, तो output भी कितना आएगा, 25,000 का 80%, 25,000 का 80% कितना आएगा बताओ.
20,000, कितना आएगा 20,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है अपनी बताओ, कितनी थी 70%, 1,000 की। एक सेकंड कैलकुलेटर दो ना मुझे, जस्ट चेक कर लो। तेरह सौ पचास का 70% कितना आएगा, ठीक है। चलो 1350, ये कैलकुलेटर भी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 1350 क्या आएगी तुम्हारी सेलिंग प्राइस बोलो। हाँ, अज्यूम कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट 70% चेंज ना होकर 700 ही रहेगी। यहाँ पे दो अजम्पशन हो सकते हैं, इनने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि वेरिएबल कॉस्ट 700 ही रहेगी या चेंज हो जाएगी। क्या बात सनमैर, या तो 1350 का 70% ले सकते हैं या तो 1000 का 70% लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 700 ही रहेगी। क्यों ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट तो वही रहेगी ना 700 रुपए। क्या बात सनमैर, ये तो आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो ना, इसीलिए मैं यहाँ पे सेम मान के चल रहा हूँ। 700 रुपए क्या लगेगी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बोलो। हाँ, और 100 रुपए ऊपर से और खर्चा लग जाएगा। टोटल कितना हो गया 800, टोटल कितना हो गया 800। 1350 माइनस 800 कितना होगा, फटाक से बताओ कितना हो जाएगा 550 यूनिट्स। बात समझ में आ रही है, 550 यूनिट कंट्रीब्यूशन इनटू 20,000, फटाक से बताओ कितना आएगा। यानी 110 लाख का क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, 110 लाख का क्या आ गया कंट्रीब्यूशन। क्या बात समझ में आ रही है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 225 प्लस 110 335 लाख का क्या आ गया है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। क्या मेरे साथ हो तुम लोग, फटाफट बताओ। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, फर्दर प्रोसेसिंग उसने क्या बोला, फर्दर प्रोसेसिंग उसने क्या बोला, 1 लाख यूनिट्स में से क्या बोला, 1 लाख यूनिट्स में से 75,000 की तो वही कहानी रहेगी। 25,000 यूनिट्स को प्रोसेस करोगे 80% आउटपुट आएगा, यानी कितना आएगा 20,000, कितना आएगा 20,000। 20,000 में 1350 की वेरिएबल कॉस्ट, 700 की सेलिंग प्राइस, 700 की वेरिएबल कॉस्ट और 100 रुपए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी। यानी फाइनल कितना लग जाएगा 550 रुपए हमको बचेगा और 20,000 यूनिट हमको मिलेंगे। यानी कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 110 लाख। टोटल मिला के फर्दर प्रोसेसिंग के केस में मेरे को कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है 335 लाख, कितना मिल रहा है 335 लाख। और वहां कितना आ रहा है 300 लाख, वहां कितना आ रहा है तुम्हारा 300 लाख। आया नहीं कि नहीं आया, फटाफट बोलो। अब उसने क्या बोला है, अच्छा कितने का फायदा हो रहा है ये बताओ, 335 माइनस 300 यानी कितने का फायदा हो रहा है, 35 लाख का एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ रहा है बोलो। हाँ, 35 लाख का क्या आ रहा है एडिशनल कंट्रीब्यूशन। अब इस 35 लाख में क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, कुछ फिक्स कॉस्ट तुमको पता नहीं है। टैक्स रेट कितना बोला है क्वेश्चन में बताओ, 35 लाख माइनस 30% कितना हो जाएगा, फटाक से बताओ 24 लाख बचेगा ना आफ्टर टैक्स। बात समझ में आ रही है, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया अपन ने, 35 लाख ये आ गया, इसमें से माइनस क्या करेंगे अपन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना आएगा, जो एडिशनल मशीनरी खरीदी है, कुछ बोली है उसने, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 लाख, 20 लाख, पहले माइनस करके फिर प्लस करूंगा ना बेटा। 35 लाख माइनस 20 लाख कितना आएगा बताओ, 35 माइनस 20 कितना आ जाएगा 15 लाख, माइनस टैक्स रेट कितना बोला है 30%, माइनस 30% कितना आ जाएगा 10,50,000, ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे कितना 20 लाख, तो ये क्या आ गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कितना आ गया तुम्हारा कैश लाख 30,50,000, क्या आ गया तुम्हारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्या बात समझ में आ रही है, ये आने वाले कितने सालों तक आपको मिलने वाला है, कितने सालों तक आपको मिलने वाला है, 5 साल बोला है, हाँ 5 साल तक आपको ये एक्स्ट्रा मिलने वाला है। क्या बात समझ में आ रही, अच्छा ये एक्स्ट्रा के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितने का करना है 100 लाख का, कितने का इन्वेस्टमेंट करना है 100 लाख का, समझ गए, 100 लाख का क्या करना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है क्या। और ये 30,50,000 1 to 30.5 5 साल का क्या हो गया तुम्हारा कैश फ्लो। और रेट रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 15%, कितना दिया हुआ है 15%, कितना दिया है 15% के हिसाब से, ये कौन गया क्वेश्चन,
15 दिया है, कितना दिया है कट ऑफ रेट, कितना दिया है 15%। सॉल्व करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1, 2, 3, 4, 5 जीटी इनटू कितना था अपना, इनटू 30,50,000, यानी कुछ आया 1022। और माइनस कितने का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का है 100,00,000 का, यानी कहीं ना कहीं फायदा कितने का हो रहा है, 2,24,073 का, 2,24,073 का क्या हो रहा है अपन को फायदा हो रहा है। एक सेकंड, इनका एनपीवी कितना आ रहा है, बाप रे 15,00,000, 20,000 आउटपुट आ गया, 350 रेवेन्यू आ गया, 100 रुपये ये हो गई, 1 सेकेंड ना, 700, 25,000, 800 इंटू 70,00,000, 1 अलग अप्रोच से किया है इसको। एक काम करो, स्टार मारो इस क्वेश्चन को, देखता हूँ मैं, चेक करता हूँ कहाँ समस्या है इसमें, क्वेश्चन में आ रही है। इनने एक अलग अजम्पशन लिया, अपन ने एक अलग अजम्पशन लिया है, एक बार चेक करेंगे कि इसको कहाँ सिनेरियो जा रहा है। क्वेश्चन में आ रही है, होमवर्क क्या है आज का, तुम क्या क्या करके आओगे बताओ, पीछे वाले दोनों क्वेश्चन करके आओगे, नीचे वाले एक आध क्वेश्चन और दे दूं ऊपर का ट्राई करने के लिए, इजी वाला। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, होमवर्क है, एक बार रीड करके बता दे रहा हूं कैसे सॉल्व करना है अप्रोच। यहां देख लो, सबसे पहले द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 100,00,000 फॉर द प्लांट ऑफ मशीनरी एंड 40,00,000 फॉर वर्किंग कैपिटल, अदर डिटेल समराइज एज फॉलो, सेल्स बोलिए 1,00,000 यूनिट ऑफ आउटपुट पर ईयर फॉर 1 to 5 ईयर्स, पहले 5 साल तक क्या होगी 1,00,000 यूनिट्स बेचेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी है 120, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60, फिक्स कॉस्ट कितनी है 15,00,000 पर ईयर फॉर 1 to 5 ईयर्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बोला है 25% ऑन WDV मेथड, 25% ऑन WDV मेथड, मतलब 5 साल का अलग अलग निकालोगे कि हर साल डेप्रिसिएशन क्या आएगा, अलग अलग आएगा, तो माइनस क्या करोगे डेप्रिसिएशन, सैलवेज वैल्यू आखिरी साल में बोली है ठीक है, क्या रेट ऑफ सैलवेज वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी इक्वल टू WDV एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल में जितनी भी WDV आएगी वो तुमको क्या मिल जाएगा सैलवेज वैल्यू, टैक्स रेट कितना बोला है 40%, टैक्स होराइजन कितना बोला है 5 ईयर्स, और पोस्ट टैक्स कट ऑफ रेट कितना बोला है 12%, यानी कि इनको KE कितना चाहिए 12%। यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट NPV इंडिकेट्स द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, NPV निकालना है बस, क्वेश्चन में अलग क्या है मैं तुमको बता रहा हूँ, WDV मेथड है, क्या है WDV में, पहले 5 साल की सेल्स ले लोगे बोलो, हाँ 5 साल से सेल्स माइनस कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, 5 साल की फिक्स कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन 5 साल का क्या करोगे अलग अलग करोगे, 5 साल का डेप्रिसिएशन क्या करोगे अलग अलग माइनस करोगे, आखिरी में जो डेप्रिसिएशन की एसेट की WDV बचेगी, एसेट की जो बचेगी WDV वो क्या हो जाएगी आखिरी साल में सैलवेज वैल्यू, वो क्या हो जाएगी आखिरी साल में सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू क्या करोगे प्लस और फाइनल आंसर निकाल लोगे, बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 साल का प्रॉफिट नहीं, हर साल का कंट्रीब्यूशन तुम अलग अलग निकालोगे,
सैलवेज वैल्यू किसकी निकलेगी, WDV मशीनरी कितने की है, कितने की खरीदी है 100 लाख की। क्या बात समझ में आ रही है, पहले साल का निकालो 100 लाख का, पहले साल का डिविशन कितना हो जाएगा 100 लाख का 25% कितना हो जाएगा 25 लाख, 100 माइनस 25 कितना बचेगा 75, फिर 75 लाख का 25%। WDV मेथड है ना, रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स। 100 लाख का 25% 25 लाख, पहले साल का डेप्रिसिएशन बचा कितना 75 लाख। अब 75 लाख का 25%, ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, अब ये माइनस कर दो 75 से, बात समझ में आ रही है। फिर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर माइनस कर दो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर माइनस कर दो फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन। चलो एक काम करो, मैं डेप्रिसिएशन निकाल के बता दे रहा हूँ सारों साल के। पहले साल कितना है 100, 25 कितना आएगा 75। WDV देखे पहले कर लिया करो, 75 माइनस 25% कितना आ जाएगा, ये बचेगा 56.25 और ये आएगा 18.75 है ना। अब 56.25 का 25% कितना आएगा 14.0625, 42.1875। क्या बात समझ में आ रही है, ये कितने साल का डिविजन लग गया 1, 2, 3, बात समझ में आ रही है। अब इसका 25% 10.5468 माइनस 31,64,062, ये तुम लोग पूरे लैक्स में कर देना, मैंने पॉइंट में कर दिया। बात समझ में आ रही है, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर इसका 25% कितना आ जाएगा 7.91015। क्या बात समझ में आ रही है, इसको माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 23.73। बात समझ में आ रही है, फिगर्स को लैक्स में लेना, मैंने डेसिमल में कर दिया है। क्या बात समझ में आ रही है, और आखिरी ईयर में बिकेगा कितना सैलवेज वैल्यू 23, जितनी सैलवेज वैल्यू बची है उतना आखिरी ईयर में क्या हो जाएगा बिक जाएगा। ये 5 साल का डेप्रिसिएशन आएगा, ये 5 साल का क्या आएगा डेप्रिसिएशन, और लास्ट ईयर में जो WDV बचेगी वो उसकी क्या आ जाएगी सैलवेज वैल्यू, वो उसकी क्या आ जाएगी सैलवेज वैल्यू। कितनों को समझ में आ गया, ठीक है क्या, 5 साल का डेप्रिसिएशन, 5 साल की सैलवेज वैल्यू। अब तुम क्या करोगे, 5 साल की सेल्स लोगे, पहले क्या लोगे 5 साल की सेल्स, सेल्स में से क्या माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में से क्या माइनस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट तो 5 साल की सेम तक आएगा, यहां तक पूरा 5 कॉलम सेम चलेंगे। फिर 5 साल के अलग अलग क्या जाएंगे डेप्रिसिएशन, 5 साल के अलग अलग क्या जाएंगे डेप्रिसिएशन, आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस करोगे आफ्टर टैक्स, और सब में जितने डेप्रिसिएशन सबको क्या करोगे प्लस, हर साल का क्या आ गया कैश फ्लो, हर साल का क्या आ गया कैश फ्लो, उसकी क्या निकाल लोगे प्रेजेंट वैल्यू, उसकी क्या निकाल लोगे प्रेजेंट वैल्यू। क्या बात समझ में, टैक्स रेट के 12%, क्या बात समझ में आ रही है, और फिर NPV कैलकुलेट कर लोगे। क्या बात समझ में आ रही है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक बार करके आओगे होमवर्क, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा, चल जाएगा क्या, हाँ या ना बोलो। आज की सभा समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वर्किंग कैपिटल नहीं बोला ना क्वेश्चन में, नहीं पहले सेकंड पार्ट नहीं फर्स्ट पार्ट करके आओ बस।